सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी शाम के हो रहे हैं 5:15। तो जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी जाने के लिए अपने घर पे, और लक्ष्य मुझे परेशान कर रहा था, उसे बोलना था अभी चलो, उसे जाना है, रुकना है। और यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, दूसरा गर्मी इतनी, मैं कैसे लेके जाती दोनों को। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और यहाँ कभी मम्मी फ़ोन कर रही है, कभी ये फ़ोन कर रहे थे आपके भाई कि कैसे करना है, कैसे जाना है क्या नहीं है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे को मुझे नहीं पता, आयु मान गया था, लक्ष्य नहीं मान रहा था। पर कभी कभी ना बहुत जिद कर जाता है लक्ष्य। तो उसे जैसे तैसे से समझाया है, कल पापा की छुट्टी है, संडे चलेंगे, तो उसे ये जिद है कि मुझे वहाँ रुकना है। ऐसे नहीं है, मैंने बोला संडे शाम को आ जाएंगे, सुबह चलेंगे शाम को आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं, इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं माना है। वो कह रहा ठीक है, लेकिन संडे हम वहीं रुकेंगे और मंडे शाम को आएंगे। तो इस चीज़ पे मैंने अभी हाँ तो कर दी है, पर अभी देखते हैं, क्योंकि मंडे से स्कूल भी ओपन हो रहे हैं लक्ष्य के। तो अगर नहीं माने तो एक छुट्टी करानी पड़ जाएगी, और मान गया तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो कल तो 100% मुझे जाना ही जाना है, संडे यानी जाना ही है, क्योंकि वो ऐसे मानेगा नहीं और रोएगा, दिल दुखेगा उसका, क्योंकि मैं प्रॉमिस मैंने किया पहले सैटरडे किया, सैटरडे चलेंगे तो सैटरडे नहीं जा पाई, फिर अब संडे का बोल दिया है। तो इस चक्कर में मुझे कल तो जाना पड़ेगा। उसको पता नहीं क्यों वहाँ पर क्या है ना कि उसके मामा हैं तो उसके साथ खेलते हैं या जो भी है ना, मतलब दोनों तीनों खेलते हैं आपस में, तो उसे वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा मुझे यहाँ पे भाई काम भी होते हैं और वो होता है आयु का ये है कि जैसे मैं रहूँगी वो रह लेगा, तो उसका कुछ ऐसा नहीं है कि वो जिद करता है, उसका वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है लक्ष्य को, नानी के यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाने रख दी है, अभी 5:15 हो रहे हैं, तो लक्ष्य आयु को आने में 10-15 मिनट है, 5:15 से मतलब ऊपर टाइम हो गया, 5:20 हो गए, 10 मिनट है। तो मैंने कहा चाय रख देते हैं, इतने देती हूँ मैं, इतने तो चाय मेरी बन जाएगी। बस पास में ही है उसका ट्यूशन, 1 मिनट भी नहीं लगता मुझे पहुँचने में, तो बस वैसे ही उनको लेके आ जाऊँगी, तो तुरंत उनको गर्म गर्म चाय मिल जाएगी, बिस्किट खा लेंगे, क्योंकि वो चाय कम और उसके साथ कुछ खा लेते हैं। और मेरे को ना अकेले चाय पीने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, मैं चाय अकेले नहीं पी सकती हूँ, और अकेले रहती तो मैं चाय बनाती ही नहीं हूँ। तो बच्चों का थोड़ा सहारा मिल जाता है, तो उनको मैं थोड़ी थोड़ी सी चाय, वो चाय नहीं पिए वो छोड़ देते हैं, इतनी सी चाय दूंगी तो वो इतनी सी छोड़ देते हैं, पर जब तक बिस्किट डिप करके खा रहे तब तक खा रहे, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो मुझे वही अच्छा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, बट मुझे साथ चाहिए होता है उसका, बच्चों का चाय के साथ। तो चलिए अब मैं उनको लेने जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ना शायद तेरी शादी का ख्याल उनको आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय गाइस एक्चुअली मुझे चाय पे तो नहीं बुलाया। हाँ, कल से जो है मेरे घर के अंदर ये महाराज जो पीछे घूम रहे हैं ना, ये फोन लेके इन्होंने आतंक मचा रखा है, मचा रखा है घर के अंदर कि नानी क्या चलना है, नानी क्या जाना है, नानी क्या। तरह से मम्मी भी परेशान हो गई रात में, मतलब मेरी सासू माँ कह रही थी भैया जी, क्या कह रहे थे आप? मतलब मेरी सासू माँ ही परेशान हो गई, वो भी बोल रही थी भैया इसको लेके जाओ यहाँ से, और ये जब तक रहे से वहीं रह के, बल्कि वो तो यूं बोल रही थी कि इसको वहीं छोड़ देना, तुम लोग आ जाना, ये चीज पे एग्री। और गाइस आज एक्चुअल में हम लोग यही करने वाले हैं, आज हम लक्ष्य को जो है उस वहीं करने वाले हैं, नानी के यहाँ छोड़ देंगे। और मतलब इधर रहने रहेगा, कह रहा तुम भी रहो, मैं क्यों रहूं, तुझे रहना। और इन दोनों ने सबसे बड़ी बात यह प्रॉमिस किया है कि ना तो ये वहाँ पे कंप्यूटर में घुसेगा ना वो घुसेगा, मतलब ये दोनों वहाँ कंप्यूटर खेलने के गेम खेलने के चक्कर में ज्यादा जाते हैं, और अपने मामा को दुखी करने के चक्कर में, उनके साथ खेलने के चक्कर में ज्यादा जाते हैं। तो इन्होंने दोनों चीज का प्रॉमिस दिया कि ये कंप्यूटर गेम्स नहीं खेलेंगे वहाँ पर, और नाना नानी से बात करेंगे, नाना नानी से बात करेगा ना वहाँ पर जाके। बहुत गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। और गाइस ये देखो यहाँ का कितना प्यारा व्यू है, ऐसा लगता है हम लोग ऊटी मनाली शिमला फिमला आ गए हैं। ये रोड दिन में अच्छा लगता है, लेकिन रात में तो मेरे को उतना ही खतरनाक लगता है।
खतरनाक लगता है यहाँ पे, सरकटा घूमता है ना। हाँ, रात में नहीं आ सकती। हमने हमारे शायद एक बार और ब्लॉग में बताया था ये। मेरा आयु भी यही हुआ था। अब गैस करो, जो लोग दिल्ली में थोड़े हुआ था गैस करो, यहाँ जो दिल्ली में उनको पता लग जाएगा कि इस रोड पे हॉस्पिटल कौन सा है, एक ही हॉस्पिटल है। बहुत सारे वीडियोस देखे गाइस हम लोगों ने, इस रोड पे सरकटा घूमता है जी, सुना है हमने, अभी देखा नहीं है। देखा होता तो होते, सुना है कि ऐसा कुछ होता है, पता नहीं। और बस ऑलमोस्ट पहुंच गए हम लोग, ये वाला घर है उसका, सरकटे का। आपको गर्दी सुबह नहीं होता। अब हम पहुंचने वाले हैं अपने घर पे, मम्मी के यहाँ पे, और मिलते हैं वहाँ के उनके फलारे के साथ। बहुत फलारा हो रहा है उधर। तो गाइस हम मम्मी के यहाँ बहुत पहले आ चुके थे, अब तो शाम हो गई है, 7:30 हो गए हैं। तो टाइम ही नहीं मिला पूरा दिन में मम्मी से, और बहुत चीज़ों से बिजी हो गए। तो मैं बता रही थी कि मम्मी का घर में काम चल रहा है, तो ये सब हो रखा है, पूरा ऐसे हो रखा है, पूरा घर मिट्टी मिट्टी हो रखा है इस टाइम पे। तो मैं अभी फिलहाल में ये बन चुकी है, पहले ये वाली लगी रहती थी छत के लिए सीढ़ी, आप देख रहे हो ना, और अभी ये वाली हो गई है। ऊपर चलते हैं, ये देखो यहाँ पे ये ग्रीन थी ना, ये सब टूट गई है इस टाइम। मैं आपको बैक, इधर आ जाओ, और ये खड़े यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसा हो रहा है, और सारे में ईट पत्थर हो रखे हैं। मैं ऊपर से दिखाती हूँ नीचे का व्यू, इस टाइम कैसा हो रखा है ये देखिए। तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। इनके ना अमिताभ बच्चन की कोठी बननी है, वो देख रहे हो पीछे, अमिताभ बच्चन साहब जो है ना, उन्होंने यहाँ पे एक प्लॉट परचेज करके, वो अपनी अमिताभ बच्चन जितने भी सेलिब्रिटी है सबने यहाँ ले रखा है। मैं भी किसी दिन बनूंगी, मैं भी लूंगी, ठीक है। क्या सलाह से चल ले, वो तुम पे सूट करता है। कौन सा गाना है वो जो हमने रील बनाई थी, बन के दीवाना मेरा पीछा ना कर, तेरी मेरी हरी हो